कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए किसानों के हित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के भी सचिव कृषि को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्रता के साथ सेब काश्तकारों को यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों को नुकसान न हो। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को क्लस्टर आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र पोषित योजनाओं के बजट को समय पर खर्च करने और क्लस्टर आधारित खेती के पेंडिंग तथा नई मांगों से संबंधित प्रपोजल को भारत सरकार को भेजने की कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने के भी आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हर्षिल के सेब की अपनी महत्ता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जानकारी मिली कि जो किसानों को सेब की पेटी दी जा रही है उसका दाम अधिक है। योजनाएं आ रही हैं, वो प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं किसी बड़ी चित्रण है उनकी मंत्री मैंने यहाँ पर की है। और एक विषय क्योंकि हर्षिल का जो सेब है उसकी एक अपनी महत्ता है। पूर्व में मुझे एक जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से, जो किसानों को हम पेटी दे रहे हैं उसका दाम ज़्यादा है और उसमें सेब भी ज़्यादा लगता है, किसान को नुकसान हो रहा है। तो मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि किसानों को यूनिवर्सल पेटी दी जाए। मुझे अधिकारियों ने बताया कि उसका टेंडर हो गया है और 15 तारीख से पहले यूनिवर्सल पेटी किसानों को मिल जाएगी, ताकि पर पेटी किसान को जो 400 रुपये का नुकसान होता है उससे निजात मिलेगी।